आयुष्मान भारत कुल्हा का फ्रैक्चर हो गया था इसमें तो मैं दो साल से चल फिर नहीं सकता था। बीमारी नी रही लाचार होते मुक्त उपचार। वो आयुष्मान तरफ से चिट्ठी है, चिट्ठी से हम लोग कार्ड बनवाए, कार्ड बनवा के बस इलाज किए, अभी फिलहाल फिर इलाज हो गया। आयुष्मान भारत ये सिर्फ देवलाल नायक की ही कहानी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के उन लाखों गरीबों की दास्तां है जो इलाज के अभाव में या तो नरक की जिंदगी जी रहे थे या फिर मौत का इंतजार कर रहे थे। मगर अब सहारा भी है और सब कुछ खुशहाल भी। आयुष्मान भारत का फायदा लेने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा के लिए पिछले साल सितंबर तक 3 लाख से अधिक रोगियों के लिए लगभग 4,405 करोड़ रुपए का क्लेम किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा 915 करोड़ रुपए का क्लेम गुजरात ने किया है, 618 करोड़ रुपए के क्लेम के साथ तमिलनाडु दूसरे और 553 करोड़ रुपए के क्लेम के साथ कर्नाटक तीसरे नंबर पर है। योजना के सबसे ज्यादा 6,11,216 लाभार्थी छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद केरल में 5,74,448 और गुजरात में 5,23,011 रोगियों ने इसका फायदा लिया है। देश भर में इस योजना से अब तक 27,86,000 से भी ज्यादा लोग इलाज करवा चुके हैं। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को योजना के ई कार्ड जारी किए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत से 15,400 अस्पतालों को जोड़ा गया है, जिसमें से 50% अस्पताल प्राइवेट ही है, जिनके लिए पहले प्राइवेट अस्पताल के दरवाजे तक भी पहुंचना मुनासिब न था, वो आज बिना किसी संकोच के पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं।